हेलो स्टूडेंट्स हाय वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या आज जो है आपके लिए लास्ट एंड फाइनल रिवीजन क्लास है जीआईसी के स्टूडेंट के लिए जीआईसी होम साइंस के स्टूडेंट के लिए जिनका एग्जाम है बहुत पास आ चुका है तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल ये मेरी तरफ से लास्ट एंड फाइनल रिवीजन है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट से एक बार देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे और डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सबसे पहले देख लीजिए आप अकबर द्वारा किए गए कुछ सुधार हैं अकबर जो कि आपको पता है मुगल बादशाह था और इसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुधार किए हैं प्रशासनिक सुधार भी किए हैं राजनीतिक सुधार भी किए हैं तो उन सुधारों के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए जैसे इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था ये जो क्वेश्चन है ना ये पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे तो कब खत्म किया था ये आपको डेट भी देख लेनी है पंद्रह में दास प्रथा को जो है खत्म किया और इसके अलावा तिरसठ में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर मतलब जो टैक्स लगता था जो आपके गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर टैक्स लगता था अगर वो तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उनके ऊपर टैक्स को खत्म किया अकबर ने ठीक है चौसठ में जजिया कर को समाप्त किया जजिया कर एक तरीके का टैक्स था जो गैर मुस्लिम पर लगता था वो भी इन्होंने खत्म किया जजिया कर को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था जो कि सात सौ बारह में उसने पहली बार आक्रमण किया था अरब आक्रमण था ये मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले स्टार्ट करने वाला ये व्यक्ति था जजियाकर ठीक है इसको फिर खत्म कर दिया गया था फिर इसको फिरोज शाह तुगलक एफएसटी ने इसको दोबारा से स्टार्ट किया फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा स्टार्ट किया फिर इसको ख़त्म किसने किया अकबर ने किया फिर इसको स्टार्ट किसने किया फिर इसको औरंगजेब ने स्टार्ट किया और फिर फाइनली इसको ख़त्म किसने किया जजिया कर को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहम्मद शाह रंगीला ठीक है मोहम्मद शाह रंगीला आपके मुगल बादशाह ही था अंतिम जो कि उस पर भी बैठा था अंतिम पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पे अंतिम बैठने वाला बादशाह कौन था तो वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था उसने जो है फाइनली जाके लास्ट में जो है आपको समझ लीजिए इसको खत्म कर दिया जजिया टैक्स को बिल्कुल खत्म कर दिया तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं जो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि सबसे पहले इसको किसने स्टार्ट किया जजिया टैक्स किसने लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया जिसने सात में जो है आक्रमण किया था फिर इसको किसने लगाया एफ आपके फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का दिल्ली जो डायनेस्टी का शासक था उसने लगाया फिर इसको खत्म किसने किया अकबर ने खत्म किया जजिया टैक्स को खत्म किया 1564 में ठीक है फिर इसको किसने स्टार्ट किया औरंगजेब ने स्टार्ट कर दिया ये जजिया टैक्स जो था आपके ये गैर मुस्लिम पे लगाया जाता था ठीक है मतलब अगर आप जो है ये टैक्स देते रहोगे मुस्लिम्स को देते रहोगे तो आप बचे रहोगे ये इस तरीके का टैक्स था गैर मुस्लिम में मतलब जो भी हिंदू हो गए अगर बौद्धिज्म हो गए जैनिज्म हो गए जो भी हो गए उनके ऊपर लगता था तो ये टैक्स मुसलमानों को देना पड़ता था क्लियर हो गया फिर ये मैंने क्या बताया औरंगजेब ने इसको दोबारा स्टार्ट किया फाइनली इसको किसने किया मोहम्मद शाह रंगीला ने ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया इन्होंने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी अकबर ने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1571 में की थी तो आप लाइन वाइज याद करेंगे बासठ में क्या किया दास प्रथा का अंत तिरसठ में क्या किया तीर्थ यात्रा जो हिंदू लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे और जो टैक्स लगता था उसको खत्म किया फिर क्या किया जजिया टैक्स को खत्म किया ठीक है फिर क्या किया फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना करी थी इकहत्तर में पंद्रह सौ इकहत्तर में और उसको अपनी राजधानी भी बनाया था ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि फतेहपुर सीकरी जो आपके आगरा के पास में है जहाँ पर बुलंद दरवाजा बनाया है गुजरात विजय में अकबर ने वो किसने बसाया था तो वो अकबर ने बसाया था उसको अपनी राजधानी भी बनाया था बट वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम थी पानी की समस्या थी प्लस कनेक्टिविटी नहीं थी जिस वजह से अकबर को वापस आना पड़ा था और क्या किया किया है इन्होंने इम्पोर्टेंट पिछहत्तर में इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझ लीजिए इबादत खाना एक ऐसा था जहां पे सभी धर्मों को मतलब आने की अनुमति थी कि सभी धर्म के लोग आ सकते हैं एक सुलह कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छा है तो सभी धर्मों से कुछ ना कुछ अच्छा हमें सीखना चाहिए तो सुलह कुल सुलह कुल की नीति जो होती है वो अकबर ने अपनाई थी ठीक है और खुद को जो है इसने अमीर उल की उपाधि दी थी अपने आपको अमीर मोमिनीन की उपाधि दी थी कि मतलब बहुत बड़ा मतलब एक व्यक्ति की उपाधि होती है वो दी जाती थी वो इसने दी थी तो इबादत खाना बनाया था मजहर की घोषणा की थी 1579 में मजहर की घोषणा मतलब अगर इस तरीके से समझ लीजिए कोई अगर विवाद हो गया किसी भी धार्मिक चीज को लेकर के तो उस पर लास्ट डिसीजन लेने वाला व्यक्ति जो था वो अकबर ही था उसे बोलते हैं मजहर की घोषणा करना क्लियर है बयासी में इसने दीन इलाही की स्थापना की थी दीन इलाही एक धर्म चलाया था बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो पंडित थे पुरोहित पूछे जाते हैं वो अबू फजल थे कौन थे अबू फजल और पहले हिंदू कौन थे इसको अपनाने वाले ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बीरबल बीरबल का नाम क्या है महेश दास बीरबल हिंदू थे उनका रियल नेम क्या था महेश दास वो पहले व्यक्ति थे पहले हिंदू थे पहले हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म अपनाया था ठीक है दीन इलाही धर्म जो था ये चलाया था और इसके अलावा 1583 में इन्होंने इलाही संबत चलाया था इलाही सम्मत मुस्लिम जो है वो हिजरी संबत को फॉलो करते हैं हिजरी संबत को ठीक है लेकिन अकबर ने कौन सा संबत चलाया था अकबर ने आपके इलाही सम्मत चलाया था तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाते हैं ठीक है तो ये तो हो गई अकबर से रिलेटेड बात आपको सब समझ में आ गया होगा दूसरी चीज मरियम उज्जमानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये उपाधि अकबर ने किसको दी थी तो ये उपाधि अकबर ने जोधाबाई को दी थी जोधाबाई का रियल नेम आपके हरखा भाई था क्या था हरखा भाई और मरियम उज्जमानी मरियम उज्जमानी जबानी नहीं मरियम उजमानी यह उपाधि जो है अकबर ने जोधाबाई को दी थी तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जहांगीर किसका पुत्र था तो वहां पे जोधाबाई ना होते हुए मरियम उज्जमानी होता है तो आपको रिलेट करना है कि जोधाबाई का नाम क्या था मरियम उज्जमानी अब बाकी आपने पढ़ा भी होगा मुगल हिस्ट्रीज को है ना चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कुछ बहुत महत्वपूर्ण संगठन हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैं और इनकी स्थापना किसने की है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि आपके ये प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है ब्रह्म समाज के कौन है आर्य समाज के कौन है तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ठीक है और यही वो व्यक्ति है राजा राम मोहन राय जिस जिनकी मृत्यु मैनिजॉइटिस नामक बीमारी से हुई थी मैनिंजॉइट लेयर पढ़ाई है ना मैंने आपको ब्रेन में तो मैनिंजॉइट लेयर जो थी वो क्या करती है ब्रेन को आ, मतलब सपोर्ट देती है एक प्रोटेक्शन देती है तो इसी लेयर पे जो है मैनिजॉइट लेयर पर राजा राम मोहन राय लंडन गए थे वहां पर इनकी चोट लग गई थी वहीं इनकी डेथ हो गई थी ठीक है और इन्हें मुगल बादशाह था एक अकबर द्वितीय उसने भेजा था उसका उसको पेंशन देना अंग्रेजों ने बंद कर दिया था तो वो बात करने के लिए डिस्कस करने के लिए राजा राम मोहन राय को जिन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया है कहा भेजा था लंडन भेजा था तो वहां भी जो है लंडन में इनकी चोट लग गई थी और मैनेजोटिस नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी ठीक है चलिए तो बोधनी सभा के देवेंद्र नाथ टैगोर हैं प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग हैं और ये वर्ष भी दिए हुए हैं आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि वर्ष भी पूछे जाते हैं आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने हमेशा बोला है दयानंद सरस्वती जी ने कि वेदों की ओर वेदो लोटो तो आप कैसे याद करेंगे ये चीज अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं आर्य समाज में ब्रह्म समाज में तो ऐसे याद कीजिए दयानंद सरस्वती ने क्या कहा वेदों की ओर लोटो और वेदों की रचना किसने की है आर्यो ने की है ऐसे ही तो बोलते हैं ना आर्य आए हमारे देश में उसके बाद हमारे देश में वेदों की रचना स्टार्ट होगी तो इस तरीके से आप जो है मतलब इसको रिलेट कर सकते हैं ऐसे याद रख सकते हैं चलिए फिर देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की तो एल पी ब्ला कर्नल अलकौट रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी होम रूल लीग की स्थापना आपके एनिवेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी ठीक है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना एक ब्रह्म समाज है एक आदि ब्रह्म समाज है तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना आपके देवेंद्र टैगोर भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी मुस्लिम लीग की किस स्थापना किसने की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने की थी और खिलाफत आंदोलन की अली बंधु ने की थी जिसमें हेल्प करा था महात्मा गांधी जी ने भी इन्हें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब आपको रिवाइज हो रहा होगा और आपको हेल्प भी करेगा नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है मैंने क्या ऐड करा है कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और उसके लेखक हैं क्योंकि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ये बुक किसने लिखी है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे महात्मा गांधी की जो पुस्तक है वो क्या है हिंद स्वराज एनी बसंत की न्यू इंडिया बाल गंगाधर तिलक की आपकी केसरी है अबुल कलाम आजाद जो कि हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे इंडिया विंस फ्रीडम है जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया है एनी बेसेंट की कॉमन व्हील है दो आ गई है एनी बेसेंट की सुभाष चंद्र बोस की आपके द इंडियन स्ट्रगल लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया इसके अलावा आपके देख लें जयप्रकाश नारायण की जयप्रकाश नारायण टू डॉट्स स्ट्रगल इसके अलावा मतलब बहुत सारी है राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड है मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ धर्मवीर भारती की पूछी जाती है अंधा युग ठीक है इसके अलावा महात्मा गांधी जी की आ गई अबुल कलाम आजाद की एक और भी है आपके अल हिलाल जयशंकर प्रसाद की कामायनी महात्मा गांधी की यंग इंडिया तो ये जो पी है ये मैं भी टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी और व्हाट्सएप पर भी वहां पर आप इनके बुक्स के बारे में पढ़ सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ही दी हुई हैं नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट है आपके प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम मतलब उनको किस नाम से बुलाया जाता था जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है बापू महात्मा गांधी को बोला जाता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनाई गई है भव्य वो कहाँ है किस नदी के किनारे है ये सब आपको उसकी ऊंचाई कितनी है वो सब आपको पता करना है उसको किस मतलब वो किस चीज़ का प्रतीक है ये सब आपको पता होना चाहिए एग्जाम्स में पूछ सकते हैं लौह पुरुष पंजाब केसरी आंध्र केसरी बंग बंधु देश बंधु दीन बंधु लोकमान्य लोकनायक महामना रत्न अजाज शत्रु डॉक्टर प्रसाद कहां से रिलेटेड थे ये बिहार से रिलेटेड थे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है देश रत्न बोला जाता है शत्रु बोला बोला जाता जाता है है इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन्हें चाचा किसे बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू को तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा है सकते हैं शहीद आजम कौन है तो भगत सिंह है भारत कोकिला कौन है सरोजनी नायडू है स्वर कोकिला कौन है लता मंगेशकर है उड़न पीटी ऊषा निर्मल हृदय मदर टेरेसा सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह में बारदोली का जो आंदोलन हुआ था वहां की महिलाओं ने इन्हें ये उपाधि दी थी सरदार की वल्लभ भाई पटेल को ठीक है तोताए हिंद अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबूजी जगजीवन राम भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है ठीक है और ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा ने तीन समुद्रों का पानी पीता था मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये यह है कि समुद्रगुप्त का जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में था तीनों और समुद्र है तो तीनों ओर उसका जो है मतलब विस्तार था ठीक है लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को बोला जाता है हॉकी के जादूगर आपके ध्यानचंद फ्यूरर एडोल्फ हिटलर भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कायदे आजम -e मोहम्मद अली जिन्ना नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट आपके सामने नदियों के किनारे स्थित नगर कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है गोरखपुर राप्ती लुधियाना सतलज सूरत ताप्ती अहमदाबाद साबरमती हैदराबाद मूसी कोटा चंबल नासिक गोदावरी गोदावरी जो है आपके नासिक से ही निकलती है भुवनेश्वर से महानदी मतलब भुवनेश्वर जो नगर है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है कानपुर गंगा सुकोवा घाट ब्रह्मपुत्र कुरनूल तुंगभद्रा पटना तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है तो तुंगभद्रा और भीमा आपके कृष्णा की सहायक नदी है ठीक है नीचे आपके जो प्रायदीपी भारत में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं गोदावरी है, है कृष्णा है और कावेरी है जिसमें आपके जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है भारत में तो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है दूसरे नंबर पर डेल्टा कौन बनाती है तो गोदावरी और कृष्णा बनाती है गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन आपने पढ़ा होगा जो कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं और क्या बनाती हैं डेल्टा बनाती हैं ठीक है पटना गंगा के किनारे श्रीनगर झेलम के किनारे ऐसे पूछ लेते हैं जैसे लखनऊ किस नगर के किनारे तो बच्चे मोस्टली गंगा लगा देते हैं धोखे में लेकिन वो किस नदी के किनारे है आपके गोमती नदी के किनारे है और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं मथुरा है आपके आगरा है दिल्ली है ये सब आपके यमुना नदी के किनारे हैं ठीक है तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे पंडरपुर भीमा बरेली रामगंगा ओरछा बेतवा इसके आगे देख लीजिए कटक महानदी अयोध्या सरयू डिबूगढ़ आसाम में है ब्रह्मपुत्र नदी ठीक है और कोलकाता हुगली हुगली जो है वो आपके गंगा नदी की ही धार है जो एक आपके उसमें आ जाती है क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में तो हुगली और एक धार आपके कहाँ चली जाती है बांग्लादेश में चली जाती है जहां पे उसको आपके दूसरे नाम से जाना जाता है ठीक है मैंने आपको पता है पद्मा के नाम से जाना जाता है और आपके बंगाल बांग्लादेश में उसको ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है आपके जमुना जमुना के नाम से और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो क्या बोलते हैं नहीं संगम को मेघना बोलते हैं जब दोनों मिल जाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में मिल जाती हैं तो वो आपके मेघना कहलाती है गंगा है पद्मा और जमुना कौन है आपके ब्रह्मपुत्र ठीक है उज्जैन शिप्रा आगरा यमुना बद्रीनाथ अलगनंदा मथुरा यमुना प्रयागराज गंगा बनारस गंगा लखनऊ गोमती संबलपुर महानदी तो ये इंपॉर्टेंट है कौन सा शहर किस नदी के किनारे है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा बस एक सरसरी नजर से देख लीजिएगा आप प्रमुख रोग और उनसे कौन सा आपके अंग प्रभावित होता है मलेरिया से क्या प्रभावित होता है स्प्लेन या आरबीसी नींद की बीमारी से ब्रेन पेचिश से आंत टिटनेस से आपके पूरा नर्वस सिस्टम टाइफाइड से आंत छह रोग मतलब टीबी से आपके लंग्स फेफड़े ठीक है डिफ्थीरिया से आपके श्वास नली जिसको आप श्वास नली आपके सांस लेने वाले नली प्लेग से फेफड़ा लिम्फ नोट निमोनिया में फेफड़े मतलब आपके क्या हो जाता है निमोनिया में आपके जो लंग्स हैं वो प्रभावित होते हैं ड मतलब लेप्रोसी में आपके पूरा नर्वस सिस्टम स्किन गोनेरिया में मूत्र मार्ग एड्स में प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पोलियो में आपके रीढ़ नाड़ी तंत्र स्पाइनल कॉर्ड और आपके नाड़ी तंत्र स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोला जाता है सेकेंड ब्रेन बोला जाता है ठीक है चेचक में आपके संपूर्ण शरीर रेविज में तंत्रिका तंत्र ट्रेकोमा में आंख इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र पर असर डालता है हरपीज त्वचा डेंगू संपूर्ण शरीर पर आपके असर डालता है और पीलिया में आपके क्या होता है इफेक्टिव तो लिवर ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटोजोअल डिजीजेस प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी तो मलेरिया किस परजीवी से होता है प्लाज्मोडियम नींद की बीमारी ट्रिप्नोसोमा पेचिश होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका ठीक है ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कालाजार लिश्मानिया डोनोवनी नेक्स्ट देखिए विषाणु जनित रोग कौन सा रोग जो है किस विषाणु से होता है मतलब कॉजिंग एजेंट हम पढ़ रहे हैं तो एड्स का विषाणु क्या है एच पोलियो का एंटीरो विषाणु एंटीरियोरस इंफ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस चेचक का वेरियोला वायरस अभी ये टीजीटी में भी पूछा था चेचक वाला आपके छोटी माता का वेरिसेला वायरस छोटी माता वेरिसेला चेचक वेरियोला खसरा पैरामिक्सो वायरस रेबीज रैप्डो वायरस हर्पीज हर्पीज वायरस नेक्स्ट देखिए जीवाणु जनत बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं आपके तो टेटनी कॉलरी टाइफाइड हैला टाइफी छरो मतलब टीवी माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबोक्लोसिस डिफ्थीरिया कोर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस काली खांसी बोडोटुला पर्टूसिस ठीक है इसके अलावा निमोनिया स्टेप्टोकोकस निमोनी कोड मतलब लैप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लैप्री गोनेरिया नाइसेरिया सिफलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम ये सब पढ़ाया हुआ भी है सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं मैंने चैनल पर डिजीजेज से संबंधित सौ प्रश्न कराए हुए हैं और आपके हर एक बीमारी को अलग से पढ़ाया हुआ है कि वायरस से कौन सी होती है इससे कौन सी होती है सब कुछ पढ़ाया हुआ है आप देख सकते हैं नेक्स्ट देखिए आनुवांशिक रोग मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से लक्षण होते हैं कौन सा जेंडर इफेक्टिव होता है तो जो आपके कलर ब्लाइंडनेस होती है तो क्या होता है लाल और हरा रंग नहीं देख पाता है पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है है कि मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, उसमें व्यक्ति कौन से कलर्स को नहीं देख पाता है तो रेड एंड ग्रीन रेड एंड ग्रीन स्त्रियां वाहक होती हैं हिमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं बन पाता है स्त्रियां भी होते हैं और लड़के भी इसमें होते हैं पुरुष भी होते हैं हिमोफीलिया में वाहक टर्नर सिंड्रोम में बांझपन क्लाइन फिल्टर में नपुंसकता आ जाती है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम में मंदबुद्धि आंखें टेढ़ी मेढ़ी ये सब पढ़ाया हुआ भी है मैंने चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंगल डिजीजेस दमा से आपके क्या होता है दमा किससे होता है तो एस्पी एस्पर्जिलस फ्यूमी गेटा से एथलीट फूड टीनिया पेडिस या टाइकोफाइटोन खाज मतलब दाद खाज खुजली एकेरस स्केविस गंजापन टीनिया कैपिटस ये जो कैपिटीज ये जो है इसके कॉजिंग एजेंट है फफूंद का मतलब पे है है कॉजिंग एजेंट नेक्स्ट आपके दांत तो ट्राइको या माइक्रोस्पोरम नेक्स्ट देखिए कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी पूछा जाता है जैसे भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाते हैं तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो गए काराधान के एल के झा सि कोरियन अर्थशास्त्री है वर्गिस कोरियन किससे रिलेटेड है तो दुग्ध क्रांति से रिलेटेड है आपके अमूल के संस्थापक दुग्ध क्रांति के आपसे रिलेटेड है ठीक है मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के लिए गोही पोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार चलिए नेक्स्ट देखते हैं नान जून दप्पा समिति रेलवे किराया रंगराजन समिति भुगतान संतुलन रेखा समिति इनडायरेक्ट टैक्स जो लिया जाता है उससे रिलेटेड है बस स्टूडेंट ये रहा फाइनल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगे जो आपको बता देने चाहिए जैसे कुछ बुक्स हो गई कुछ ऑथर्स हो गए डिजीजेस पूछ ली जाती हैं एग्जाम में अकबर के सुधार पूछ लिए जाते हैं ये दास प्रथा और ये सब पूछ लिया जाता है तो ये सब आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा मैं ये पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे लर्निंग विद दिव्या से आप सर्च कर लीजिए वहां पर आपको मिल जाएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं वहां भी आपको मिल सकता है ठीक है तो चलिए फिर थैंक यू सो मच रिवाइज कर लीजिए ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है अच्छे से एग्जाम देना ऑल द बेस्ट आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं अच्छे से एग्जाम दीजिएगा जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो ध्यान से और अच्छे से एग्जाम देंगे ओके दिस इज फ्रॉम माई साइड एंड अब आप लोगों का है अपना हंड्रेड परसेंट देना बाय बाय स्टूडेंट